स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। बहुत से ऐसे कमेंट होते हैं जिसमें आप नाराज़ हो जाते हैं, सर रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो एक्चुअल बात ये होती है कि जो आप पूछ रहे होते हैं उसकी जानकारी अपने पास उपलब्ध नहीं होती है, और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास होती है मैं तुरंत आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे छिपाने में किसी भी प्रकार से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। और सिंपल सी बात है कि आपके काम की अगर इन्फॉर्मेशन है मैं ज़रूर शेयर करता हूँ। इस समय सबसे ज़्यादा आपके सवाल है कि ईडी एंड प्रैक्टिकल का जो बैक पेपर है उसका एग्ज़ाम डेट क्या है, कोई बच्चा पूछ रहा है कि उसका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो ये ऐसा समस्या है क्योंकि इसे ऑफिशियल कोई लेटर वगैरह और इस प्रकार से शेड्यूल नहीं मिल पा रहा जो मैं आपको बता पाऊँ। अब यहाँ पर देखिए ताज चौहान जी हैं या फिर ये विक्की जी हैं, इन लोगों ने यही पूछ रखा है। देखिए राजेश मीणा हैं, उसके अलावा और भी दो चार मैंने रेफरेंस के लिए ले रखा था, ईडी का एग्ज़ाम रवि जी हैं, उसके बाद यहाँ कोई सोनी हैं और सुमित हैं और इस प्रकार से हैं। और ये देखिए प्रैक्टिकल की बात हो रही है, पूजा है कोई, ये प्रैक्टिकल का पूछ रही हैं तो, और एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया ये बोल रहे हैं कोई नंदी जी हैं। तो एडमिट कार्ड नहीं आया है तो कॉलेज संपर्क कर लीजिए, और ये मैंने पहले बताया था कि एडमिट कार्ड वगैरह के लिए कॉलेज से ज़रूर संपर्क कीजिए। और ऐसा है कि जिनकी पेमेंट हो गई है उसके लिए बीच में डेटा भी इकट्ठा करवाया जा रहा था। तो ऐसे में सिंपल सी बात है, ऐसे सभी समस्याओं के लिए आपको कॉलेज से ज़रूर मिलना चाहिए। अब बात करें ईडी और प्रैक्टिकल की, तो एग्जैक्ट अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन उपलब्ध होगी मैं आपको बताऊंगा। और अंदाजा की बात आ जाती है, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर एक उम्मीद क्या है, कब तक हो सकता है, तो उम्मीद पर तो दुनिया जो है कायम है। तो अब बात किया जाए तो इस समय सीबीटी एग्जाम्स चल रहे हैं, आपको पता होगा कि जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं जैसे कि वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ट्रेड थ्योरी, तो ऐसे सब्जेक्ट की जो परीक्षाएं हैं हाल फिलहाल अभी चल रही है, और सीबीटी ऑनलाइन मोड में चल रहे हैं, लगभग पूरा दिसंबर इसी में ख़त्म होता दिख रहा है। तो अगर हम उम्मीद भी करें ईडी और प्रैक्टिकल के लिए तो उसकी जो परीक्षाएं हैं आप जनवरी में हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि जनवरी में ये परीक्षाएं हो सकती हैं, और जब भी होंगी तो लगभग सभी सत्र के लिए होंगी, वो सेमेस्टर के हों या एनुअल के हों, किसी भी सत्र के बच्चे हों अगर उनका ईडी और प्रैक्टिकल में बैक है तो ऐसे सभी बच्चों की संभावित तिथि मैं मान के चल रहा हूँ जनवरी में होगी। और बात आ रही है बहुत बच्चे से फीस जमा हो रही है कि नहीं जमा हो रही है, तो मैं कहता हूँ कि एक सिंबॉलिक फीस जो आपसे कॉलेज जो भी लेता होगा थोड़ी बहुत बैक के नाम पर, तो उस फीस को आप एडवांस में कॉलेज पर जमा कर लें। हालांकि ये बात बहुत बच्चों को बुरी लगेगी लेकिन मैं आपको बचने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि आप एडवांस में जाओ, आप वहाँ पर अपना उनको इन्फॉर्म कर दो और एक फीस जो भी लेते हैं वो दीजिए, या फिर कोई बैक फॉर्म फिलअप करवाते हैं तो उसको कर लीजिए, जैसे आपकी ये बेफिक्र रहे कि जैसे बीच में होता है ना पोर्टल पर अलाउ करना या कोई एक्टिविटी करना, तो ऐसे में आपके वेट करोगे कि कोई डेट मिले तब आप जाओ, और हो सकता हो कि डेट इतना कम मिले 2-4 दिन का कि आप तक ना कॉलेज पहुंच पाए और आप कहीं बिजी हो जाओ, कहीं ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए, ऐसे में आपके साथ समस्या हो जाएगी। तो सिंपल सा है, अपने कॉलेज से इन्फॉर्म कर दीजिए, किसी प्रकार से फॉर्म वगैरह भरवा रहे हैं फिलअप कर रहे हैं तो वो कर लीजिए, या फिर अपने कॉलेज का कोई ग्रुप होगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, ओवरऑल कांटेक्ट में रहिए। और मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ कि अब फिलहाल में इस परीक्षा के बीच में तो ईडी प्रैक्टिकल होना किसी भी प्रकार से संभव नहीं दिख रहा है, और हमें लग रहा है कि अब जनवरी में ये परीक्षाएं जा सकती हैं, और ईडी और प्रैक्टिकल की हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से शेड्यूल है उस शेड्यूल पे एकदम टाइमली अगर निकल जाती है परीक्षा। तो और भी कोई एक्टिविटी है जैसे इंटरनल और कोई एक्टिविटीज होती हैं अलाउ वगैरह का, फीस वगैरह का, ये सब चीज़ें आएंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, बट ऑफिशियली मेरे पास अभी ईडी और प्रैक्टिकल के लिए कोई जानकारी नहीं है। इसी वजह से मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट्स होते हैं, सबका रिप्लाई करना संभव नहीं है। हालांकि आपको लगता होगा कि मैं कहीं ना कहीं इस पर लापरवाही कर रहा हूँ, लेकिन आप भी अगर जेन्युइन तरीके से दिखोगे तो ये संभव नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास कोई प्रोफेशनल मार्केटिंग या लंबी टीम नहीं है। कई बार होता है ना कि 5-10 लोगों का इसमें कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है इस प्रकार से, तो हमारा कोई बहुत बड़ा नहीं है। हमारे जो भी लोग हैं टीचर लोग हैं, इवन बहुत से मतलब जो भी है ना ओवरऑल सब लोग टीचर ही हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसा कोई नहीं है कि जो बढ़िया डिजाइनिंग वगैरह कर ले या ये सब कॉन्सेप्ट, मतलब समझ रहे हैं आप ना, तो इसी वजह से बहुत सी समस्याएं हैं। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन वो मैं मिस नहीं होने देता, छोटा छोटा लेटर हो डीजीटी का, कोई इन्फॉर्मेशन आए वो सब कुछ मैं लगातार शेयर करता रहता हूँ, ठीक है, बस आप बने रहें। उसके अलावा टेलीग्राम वगैरह का ग्रुप है, ट्विटर पर आप ज्वाइन कर लें, फेसबुक पर उपलब्ध है, हर जगह ज्वाइन करें, कहीं भी कुछ भी, जैसे होता है ना कई बार वीडियो मिस हो गई, तो टेलीग्राम तो 100% ज्वाइन करना चाहिए आपको। देखिए इस पर मुझे टेलीग्राम को मैं चलाता हूँ इस ग्रुप को, तो उस टेलीग्राम से मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, मैं एक्सेप्ट सिंपल सी बात है, और इसको इसलिए चलाता हूँ कि कई बार हम आप जो है ना वीडियोज़ मिस कर जाते हैं, लेकिन टेलीग्राम में मैं सभी वीडियोज़ और मैसेजेस शेयर करता रहता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और वहाँ पे आपको क्या होगा ना, जैसे कई बार कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप वीडियो नहीं देख पाए, तो एटलीस्ट वहाँ पर आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। तो फिलहाल ये मैं जानबूझ के इस वीडियो को पब्लिश किया, कहीं आप लोगों के अंदर इतनी नाराजगी हो जा रही है, मुझे कई बार लगने लगता है कि यार अब मैं करूँ क्या,
तो ऐसी स्थिति में फिर इस वीडियो को मैंने बनाया है, होपफुली आप समझ रहे होंगे। थैंक यू।